हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पोमोग्रेनेट पैनाकोटा। अनार का पैनाकोटा बनाने वाले हैं। उसके लिए आपको चाहिए चीनी हाफ कप, 200 ml दूध, दो अनार मैंने यहाँ पे छील लिया है, इसको जूस बना लेंगे आप। जेली ले लें, अनफ्लेवर्ड जेली लें, जेलेटिन ले लें। उसके आप नहीं मिल रहा है आपको तो आप अगर चाइना ग्रास के नाम से मिल जाता है आराम से वो ले लें। तो पहले मैंने यहाँ पे एक कप पानी बॉईल कर लिया है, उसे एक बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद आप इसमें 200 ml दूध और थोड़ी सी 2 टेबलस्पून के करीब चीनी डालकर पका लें। पकने के लिए छोड़ दें इसको। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टीस्पून जेलेटिन बॉइलिंग वाटर में इसको मिक्स कर लें। ये थोड़ा सा बस नरम हो जाए, देखिए मेल्ट हो रहा है यहाँ पे। आप इसको बॉईल करते हुए, थोड़ा सा बॉईल आने के बाद थोड़ा दूध पकने लगेगा तब इसमें आप ऐड कर देंगे जेलेटिन, पूरा सा वो जेलेटिन वाला पानी। यहाँ पे बॉईल हो रहा है मिल्क, इसमें आप ऐड करेंगे जो भीगा हुआ चाइना ग्रास जेलेटिन जो भी आपके पास है, इसे 2 से 3 मिनट पका लें। आप यहाँ डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स थोड़े से बूंद वनीला एसेंस के, इसको पका लें। थोड़ा सा गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए इसका। इसे 5 से 10 मिनट तक पका लें, 5 मिनट बस होगा। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा कर लें। यहाँ पे आप लेंगे इसे फ्रिज में रखने के लिए छोटे ग्लासेस, आपके पास ग्लासेस नहीं है तो आप कप्स में रख सकते हैं। देखिए नीचे एक छोटा सा बाउल ले लें, इस तरीके से रख लें। पूरे इस तरीके से मैंने रख लिया है, थोड़ा सा ठंडा कर लें। इसे मैंने ठंडा कर लिया है, देखिए इस तरीके का। और थोड़ा लेंगे आप ग्लासेस में डाल देंगे, पूरा फिल ना करें, देखिए इस तरीके से डाल दें। मैं सारे डाल लूंगी यहाँ पे। अगर आपके पास ग्लासेस नहीं है तो आप इस तरीके के बाउल में डाल सकते हैं। यहाँ पे बैटर थोड़ा बच गया था ना, इसे फ्रिज में रख लें आधे घंटे के लिए। अनार का जूस मैंने बना लिया है और छान भी लिया है। थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए आप इसमें डालेंगे, यहाँ पे पैन में मैं जूस डाल दूंगी अनार का, और उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी और वो जिलेटिन वाला जिलेटिन, देखिए 2 टीस्पून। मिक्स कर लें इसको, थोड़ा सा पका लें, 2 से 3 मिनट पका लें। इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट पका के ठंडा कर लिया है। देखिए आप यहाँ पे जम चुका है, ये पकने की देर में ये जम चुका है, देखिए 20 मिनट लगे हैं। इसमें आप डालेंगे पूरा साइड, पूरी इसी तरीके से मैं फिल कर लूंगी। इसको भी आप 20 से 25 मिनट फ्रिज में रख लें जब तक ये जम ना जाए। ये आप 15 से 20 मिनट में ही जम गया है। मिंट लीव्स के साथ मैंने सर्व कर दिया है। यहाँ पे देखिए जो कटोरी में जमाया था वो भी जम चुका है अच्छी तरीके से। और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं वो जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट शेयर जरूर करें।